अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। अनाबिया की बड़ी कामयाबी, कलम नूरी स्थित गुलाम नबी आजाद उर्दू कॉलेज से 12वीं की परीक्षा में प्रथम आए और बड़ी सफलता हासिल की। छात्रा अनाबिया शेख जावेद को 12वीं की कला वर्ग में प्रथम आने पर कॉलेज में पूर्व उप महापौर अयूब पठान, अब्बास पठान, शेख फहीमुद्दीन हुसैन खान, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद वाजेद, पत्रकार मुजीब पठान ने सम्मानित किया। अयूब खान, आसिफ खान, शेख साजिद, शेख अफरोज आदि ने इस समय बधाई दी। महाबोधि चैनल के महाराष्ट्र संपर्क प्रमुख प्रदीप नन्नावरे, सुप्रसिद्ध युवा सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्णा के निर्भीक पत्रकार, सामाजिक धार्मिक निर्भीक पत्रकारिता में योगदान के लिए पूर्णानुबंध संस्था चिखली जिला बुलडाना, इनका अति पूर्ण सम्मानित माने जाने वाला प्रतिष्ठा का राज्य स्तरीय बहुजन रत्न पुरस्कार। प्रदीप नन्नावरे इन्हें चिखली जगह पर महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मंत्री विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने, पूर्व विधायक राहुल बोंद्रे, मशहूर समाज सेवक नंदू बाबा पालवे, मंत्रालय के सचिव विद्याधर महाले, हरिभक्त परायण महाराज, कीर्ति महाराज परभणी, जिले के युवा उद्योजक संदीप ढगे, इनके प्रमुख उपस्थिति में तारीख 9 जून 2024 को पंचशील बुद्ध विहार गजानन नगर चिखली जिला बुलडाना इस जगह पर सम्मान पूर्वक दिया गया। शाल, पुष्पमालाएं, सम्मान पत्र, सम्मान चिन्ह ऐसा स्वरूप देते हुए राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त होने के बाद अखिल भारतीय भिक्षु संघ के कार्याध्यक्ष पूज्य भंते डॉक्टर उपगुप्त महाथेरो, पूज्य भंते पश्याम वंश, पूज्य भंते बोधिताधम और श्रीकांत हिवाड़े, अनम महिला मंडल के शिरीन बेगम, एमआईएम तहसील अध्यक्ष मोहम्मद शफीक, पूर्णा शहर के धम्म सेवा में कार्यरत रहे महिला मंडल ने उनका अभिनंदन किया और आने वाले दिनों के लिए उनके शुभकामनाएं दिए। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की फदरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गाठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। मानोत तहसील के सारंगपुर से मंगरूल रास्ता बनाकर 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है कि पहले ही बारिश में ये रास्ता 15 फीट बह जाने की घटना तारीख 10 जून 2024 सोमवार के रोज हुई है। ये रास्ता बह जाने की वजह से इलाके के नागरिकों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस घटना की अधिक जानकारी यह है कि मानोत तालुके के सारंगपुर से रामपुर इस रास्ते पर सारंगपुर गाँव से 2 किलोमीटर दूरी पर अंदाजा 15 फुट डामरी रास्ता सोमवार शाम को हुए जोरदार बारिश में बह गया है। ये रास्ता बनाकर 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है, जिससे इस रास्ते के क्वालिटी की कितनी घटिया है इसका अनुमान लगाया जा सकता है। दरअसल उक्त बहे हुए स्थान के पास से नया पुल बनाना जरूरी था, लेकिन ये सड़क पुराने पुल पर ही बना दी गई। साथ ही ये भी देखा गया है कि नवनिर्मित सड़क की मोटाई काफी कम थी और ये पहली ही बारिश में बह गई है। एक ही बारिश में सड़क की क्षति को देखते हुए कार्य की गंभीरता पर सवाल खड़ा हो रहा है कि चूंकि ये सड़क यातायात के लिए बंद है तो मंगरूल, सारंगपुर, वांगी, थार, रामपुर आदि गांवों को परेशानी हो रही है। देखना यह होगा कि क्या संबंधित प्रशासन इस घटना पर तुरंत संज्ञान लेगा और कोई कार्रवाई करेगा। सोमवार को बारिश के दौरान सारंगपुर से मंगरूल रोड पर जो जाने का रास्ता बनाया गया था वो सड़क बह जाने के कारण ग्रामीणों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क का काम पूरा हुए अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ है, इसलिए इस घटना के कारण काम की खराब गुणवत्ता देखी जा सकती है। ऐसे खराब काम करने वाले गुत्तेदार पर क्या ये प्रशासन कार्रवाई करेगा, ऐसा प्रश्न निर्माण हो रहा है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दिगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिस प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, जेलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू, बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करें, पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए, चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे के झुर्रियां खत्म करें, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी 8421522947 8669131304।
मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभणी शहर के जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने अमर अनशन मैदान पर सर्व जमीन अधिकार आंदोलन और मानव हक अभियान, शालेय पोषण आहार कामगार और देवदासी रूढ़िग्रस्त संघर्ष समिति महाराष्ट्र और अन्य सामाजिक संगठन इनकी ओर से आज तारीख 11 जून 2024 मंगलवार के रोज फसल बुवाई की नोंदनी करने के लिए और गायरान धारकों को 7-12 देने के लिए, उसी तरह परभणी के शालेय पोषण आहार कामगार इन्हें 1500 रुपये बढ़ाकर GR तुरंत निकाला जाए, ऐसे विविध मांगों का धरना आंदोलन किया गया। इसी तरह 17वीं लोकसभा चुनाव के लिए लड़ने वाले का मनोबल बढ़ाने के खातिर लोकसभा उम्मीदवार का सत्कार किया गया। इस समय एडवोकेट विनोद अंबोरे, शिवाजी कांबळे, एडवोकेट गोवर्धन खंडागळे, इनका सत्कार किया गया। इस समय हाईटेक महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार कर्मचारी यूनियन के राज्य उपाध्यक्ष विश्वनाथ गवारे, राज्य उपाध्यक्ष मुगाजी बुरुड, पप्पू शेळके, बाईजाबाई घोड़े, बंडू गायकवाड़, नित नवरे, गणेश जोगदन, अश्रुबा गायकवाड़, संभाजी सोनोने, मारुति शेळके आदि के साथ आयटक के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। आयटक म्हणजे महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार कर्मचारी यूनियन जे धरने आंदोलन के लिए अनुषंगाने या पूर्ण ज्या मागण्या आहेत त्याची मी दखल घेतली आहे। या मागण्यामध्ये अनेक मागण्या या शासन स्तरावरच्या आहेत, तर त्याबाबत शासनाला मी त्याच्या अगोदरच पत्रक व्यवहार केलेला आहे, तर ते शासन स्तरावर त्याची दखल घेतली जाईल आणि जिल्हा स्तरावर किंवा पंचायत स्तरावर यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्याच्या आम्ही लेखी निवेदन त्यांच्याकडून घेतलेलं आहे आणि त्यानुसार एका आठवड्यात योग्य ती कारवाई करण्यात येईल। मी अधिकार आंदोलनाच्या माध्यमातून तसंच संघटनेच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिलेलं आहे। त्या निवेदनामध्ये आम्ही गायरानाच्या संदर्भाने गायरान नावचे करण्यासाठी जो जिल्हाधिकाऱ्यांनी जो निर्णय दिला त्या निर्णयाच्या विरोधात आमचं आंदोलन आहे। उच्च न्यायालयाचा हवाला देऊन जिल्हाधिकारी यांनी गायरान हटवण्याच्या संदर्भात निकष काढला, त्या संदर्भात आमचं ते आंदोलन चालू आहे। की शासनानं आणि मुख्यमंत्र्याला मागणी करत आहोत की मुख्यमंत्र्यांना या गायरानाच्या संदर्भात उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल करावी असं आमचं त्यांच्याकडं म्हणणं आहे। आणि आम्ही प्रत्येक गायरानात जाऊन गायरानधारकाचे पीक पेरे घेऊन ते पंचनामे करण्यासाठी आम्ही तहसीलदाराला दाखल करणार आहोत प्रत्येक तहसीलमध्ये आणि भूमी हक्क सत्याग्रह मोठ्या प्रमाणात करणार आहोत। कारण का की आम्ही गायरान जेलभरो आंदोलन जे होतं ते आम्ही लांबवलो आणि आत्ता त्या माध्यमातूनच जमीन अधिकार आंदोलन आणि इतर सामाजिक संघटनेला सोबत घेऊन आपण भूमी हक्क सत्याग्रह करणार आहोत। आणि येत्या 27 तारखेला मुंबईला जे अधिवेशन पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे त्या अधिवेशनावर आम्ही जाणार आहोत आणि तिथं प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्याला निवेदन देणार। मानोद तहसील के शिवार में तारीख 10 जून 2024 के दोपहर 4 बजे के दरमियान जोरदार बारिश हुई। इस जोरदार बारिश के कारण इलाके के चंदन सेना नदी को आए हुए बाढ़ में दो महिलाएं बहकर गई, जिसमें एक महिला मिल गई है तो दूसरी महिला का मृत शरीर आज तारीख 11 जून 2024 मंगलवार के रोज झोड़गांव इलाके में पाया गया। 7 जून से मृग नक्षत्र शुरू होने के बाद मानोली क्षेत्र में ज्यादा बारिश नहीं हुई। ऐसे में जब बुआई की तैयारी कर रहे बलि राजा सोमवार को मानोली में भारी बारिश का इंतजार कर रहे थे। मानोली इलाके में कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई और बादल फटने से हुई बारिश के कारण मानोली में चंदन सेना नदी में बाढ़ आ गई। दो महिलाएं सुनीता घुराजी लावले उम्र 40 साल और रंजना भास्कर सुरो से उम्र 45 साल इन दोनों नदी में बाढ़ में बह गई। ग्रामीणों ने खोजबीन की तो महिला रंजना भास्कर सुरो से एक झाड़ से कसकर पकड़ी हुई मिली। आगे के इलाज के लिए उन्हें तुरंत मानवत के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन राजस्व और पुलिस की टीम ने रात 8 बजे तक महिला को सुनीता घुराजी लावले इन्हें तलाश की। इसके बाद दिक्कतों के चलते सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया। मानोद के तहसीलदार पांडुरंग माचेवाड़, पुलिस थाने के API संजय चौहान,
पुलिस पाटिल बबन तड़ेकर मानोली के ग्रामस्थ और इन्होंने मदद कार्य में अपना हिस्सा लेते हुए बाढ़ में बहकर जाने वाले सुनीता लवाड़े इस महिला का मृत शरीर 11 जून 2024 मंगलवार के रोज सेना नदी के झोड़ो इलाके में मिला। पुलिस ने घटना स्थल का पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए खुला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सौंप दिया गया। मृतक सुनीता लावले का आज दोपहर 2 बजे मानोली स्थित शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना के कारण मानोली गांव में अफसोस और गम का माहौल दिखाई दे रहा है। दरमियान मैया सुनीता लवाड़े के पश्चात सास पति दो लड़के दो लड़कियां ऐसा परिवार है। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमान मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हरनिया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आंख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी, खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर से चौक रोड बैरागी कॉलोनी तुलसीपुर जनपद बलरामपुर यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड आजम चौक से आगे तवक्कल मेडिकल के करीब परभणी महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। भारतीय जनता पार्टी के परभणी महानगर की ओर से नीट और जीत इसके अलावा 10वीं और 12वीं कक्षा में योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने वाले मेधावी छात्राओं के लिए कैरियर मार्गदर्शन और मेधावी छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समय प्रमुख मार्गदर्शक के तौर पर स्वामी विवेकानंद कैरियर अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर विठल कांगने ये थे, तो समाज प्रबोधनकार युवा व्याख्याते सोपान महाराज कानेरकर, संजय रिजवानी, कमल किशोर अग्रवाल, रामदास पवार, संतोष जाधव ये भी समय मौजूद थे। गुणवंत छात्राओं का गौरव सम्मेलन लेते हुए कार्यक्रम के आयोजक परभणी महानगर भाजपा जिला अध्यक्ष तथा कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक राजेश देशमुख ये हाजिर रहते हुए इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी परभणी महानगराच्या वतीने परभणीच्या परिसरातील जे गुणवंत विद्यार्थी आहेत त्या सर्व गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळ्याचा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी महानगर शाखा परभणीच्या वतीने या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला होता। आपण आपल्या भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप दिली पाहिजे। आपण आपल्या लेकरांच्या प्रोत्साहन वाढवलं पाहिजे या अनुषंगानं भारतीय जनता पार्टी परभणी महानगराच्या वतीने या कार्यक्रम या आता जसं या विद्यार्थ्यांनी 10वी असेल 12वी असेल नीट असेल सीटी असेल या परीक्षेमध्ये अवघवित असं यश संपादन केलं, यापुढे देखील त्यांनी अशाच पद्धतीनं यश संपादन करावं। जे कोणी विद्यार्थी जरा अपयशी या ठिकाणी राहिले असतील त्यांनी खचून न जाता पुन्हा प्रयत्न करावं अशी मी सूचना। कार्यक्रमासाठी सोपान महाराज कनेरकर युवा व्याख्याते या ठिकाणी आले होते, तसेच स्वामी विवेकानंद करिअर अकॅडमीचे संचालक आमचे मित्र विठ्ठल कांगणे सर हे देखील या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी या ठिकाणी आले होते, त्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूवर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सके। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।